नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल आने के संकेतों के बीच वर्चुअल करेंसी की दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल पेश होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि सरकार निजी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाएगी या फिर इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगाएगी। इस मसले पर क्रिप्टो मार्केट में निवेश करने वालों और जानकारों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नीज के एल बद्री नारायणन कहते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी समय से क्रिप्टो करेंसी बिल का इंतजार कर रही है। पहले ये उम्मीद थी कि शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उम्मीद है कि अब बजट सत्र में ये बिल हर हाल में पेश हो जाएगा, लेकिन आशंका इस बात की भी है कि तमाम दिक्कतों और तकनीकी समस्याओं की वजह से ये इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। हालांकि फाइनल बिल में क्रिप्टो करेंसी और निजी क्रिप्टो कॉइन से संबंधित रेगुलराइजेशन पर साफ तौर पर जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री को ये उम्मीद है कि इस बजट में सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर टैक्स को लेकर साफ तौर पर निर्देश दे। क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री को सरकार TDS या TCS के दायरे में ला सकती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और ब्रोकरेज पर GST को लेकर स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अलावा वजीरेक्स के CEO निश्चल शेट्टी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को नियमित करने के अलावा हमें उम्मीद है कि सरकार क्रिप्टो टैक्सेशन को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाएगी। कोरोना महामारी की कई लहरों से जूझने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। क्रिप्टो करेंसी नियामक स्पष्ट होने से क्रिप्टो सेक्टर में उछाल आएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने में अहम योगदान देगा। हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर और भी स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। अभी क्रिप्टो करेंसी पर कानून अमल में आने में काफी वक्त लगने का अनुमान है, ऐसे में बजट में क्रिप्टो क्लासिफिकेशन पर कम से कम एक डायरेक्ट लाइन जरूर खोलनी चाहिए। इसकी टैक्सेशन पॉलिसी पर घोषणा जरूर होनी चाहिए। इससे न सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, बल्कि इस सेक्टर में जॉब के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा सही कॉइन के को-फाउंडर और CEO अमित नायक कहते हैं कि भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बेमिसाल तरक्की की है। अगर हम इसे भुनाने में कामयाब हो गए तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे होगा। देश में स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट लगातार तरक्की कर रहे हैं, जिनकी मदद से भारत क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। हमें विश्वास है कि सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाएगी, जिससे क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ेगा। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बजट में क्रिप्टो करेंसी को किए गए प्रावधानों को लेकर के और क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर के तमाम अपडेट्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।